नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता देते हैं कि BDPO सहित 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हम आपको बता देते हैं कि मामला गांव हिंडालवाला का है। 2018 में BDPO सहित अन्य 6 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। सरकार लगातार बड़े बड़े वादे कर रही है, राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। टोहाणा के विधायक कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली द्वारा भी लगातार भ्रष्टाचार पर बड़े बड़े एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन 2018 का मामला है। पंचायती राज के अंदर करोड़ों रुपए का गबन सामने आया है। हिंडालवाड़ा निवासी ने FIR टोहाणा थाना के अंदर करवाई गई है। हम जोगिंदर सिंह थाना प्रभारी से बात करेंगे कि लगभग करोड़ों रुपए का जो मामला है वो सामने आया है, भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी से बिल काट कर सरकारी पैसे का गबन किया गया है। बहुत बड़ी खबर टोहाणा से है, करोड़ों रुपए का मामला है, धोखाधड़ी का मामला। BDPO सहित 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। तो आइए थाना प्रभारी जोगिंदर सिंह से पूरी जानकारी आपको दिलवाते हैं। ये मामला गांव हिंडालवाड़ा का है, जहां शिकायतकर्ता वीरेंद्र जीत ने माननीय गृह मंत्री के पास एक शिकायत भेजी थी कि गांव हिंडालवाड़ा में विकास कार्यों में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें पंचायत विभाग के 6 बड़े अधिकारी, 1 पूर्व सरपंच, 1 जिला परिषद का मेंबर शामिल है। माननीय गृह मंत्री के आदेशानुसार सभी 8 के खिलाफ भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी की धाराओं 420, 406, 409 व 120B के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। माननीय उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी।